नमस्कार दोस्तों, एक बार हमारे चैनल के नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 99% लोग नहीं जानते हींग खाने के फायदे, इसके एक टुकड़े काफी है सुखी जीवन जीने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हींग हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। हींग बड़ी तीखी होती है और दूर तक ही इसके जो गंध होती है फैलने वाली होती है, जिसका खुशबू सबके मन को मोह लेती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके जितने खुशबू स्वादिष्ट होते सुगंधित होते उतना ही ज्यादा दोस्तों ये हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसका फायदा बताऊंगा। फायदा बताने से पहले आप सभी दोस्तों से बार बार निवेदन है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी आप सभी मित्रों को फ्री में सिखाई जाती है। मैं हींग अगर औषधि गुणों की बात करूं तो बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने इसकी प्रशंसा की है। और जो हींग है ना, ये हिचकी, डकार, उल्टी, इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। जैसे कि अगर किसी को हिचकी आ रहा है, डकार आ रहा है, उल्टी आ रहा है, तो ये सब होने पर केले के गुदे में मटर के जो बराबर दाने लेना है इसका, हींग का, और इसे केले के गुदे में डाल करके आपको खिला देना है, तो डकार आना, हिचकी आना तो तुरंत ही बंद हो जाता है। जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई उन्हें 10 ग्राम हींग भुनी हुई, 20 ग्राम काला नमक और जो बाइबिडंग होता है वो 80 ग्राम लेने, तीनों को मिला करके पीस करके थोड़ा गर्म पानी में डाल करके पीना है, तो याददाश्त तेजी से बढ़ता है। रोज खाना खाने में जैसे कि सब्जी दाल आदि में जो है आप हींग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे पेट की रक्षा होती है, जल्दी से डाइजेशन सिस्टम होने लगती है, यानी खाना खाने के बाद जल्दी से पचता है। छाती में बलगम है, कब जमा हो गए हैं, तो आप क्या करें, पानी में हींग डाल करके लोशन बना ले और 2-3 दिन तक छाती पर मले, काफी दोस्तों आपको आराम मिलेंगे और जो छाती का बलगम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। हाजमा खराब हो गए हैं, अच्छे तरह से सफाई नहीं हो रहे हैं, तो हिंगाष्ट चूर्ण आता है, आपको आयुर्वेद की कंपनी के मिल जाएंगे, हिंगाष्ट चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी दुकान पे मिल जाएंगे आयुर्वेद के। दांत दर्द हो रहे हैं तो हींग का फाहा देने से या हींग का कुल्ला करने से या हींग को पीस करके दांतों पर, जहाँ पे दांत दर्द हो रहे हैं वहाँ पे भर देने से दांत के दर्द ठीक हो जाते हैं। दाद खाज चर्म रोग हो गए, खुजली हो गए, तो हींग पानी को घोल करके लेप करने से दाद खाज खुजली ठीक हो जाते हैं। पैर फैट गए हैं तो नीम के तेल में हींग डाल करके लगाने से जो सर्दी के मौसम में पैर फैट गए हैं जल्दी से भर जाते हैं। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को हींग की मिलने वाले जो आयुर्वेदिक फायदा बताए हूँ आप सभी मित्रों को जरूर पसंद आया होगा। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए फ्रेश जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।